Hi guys, good afternoon. As we have already met and we were reading about the basic English in last classes, in previous classes we have got it. आपने पिछले क्लास में पढ़ा था बेसिक इंग्लिश के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट. तो हम आज की क्लास को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले हम पिछली चीज़ों पर थोड़ा सा फोकस करेंगे, थोड़ा सा रिवीजन करते हुए फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे. तो कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था बेसिक इंग्लिश में सबसे पहला ऑप्शन था आपके पास लेटर. वी हैव रीड अबाउट दिस वन. व्हाट इज लेटर? हमने बताया था कि लेटर क्या होता है. अ ग्रुप अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अल्फाबेट विच डज नॉट मॉडिफाई इज कॉल्ड लेटर. वर्णमाला की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना हो सके उसे हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं. और आपको बताया गया था इसमें कि अक्षर कितने प्रकार के होते हैं. अक्षर कितने प्रकार के होते हैं गाइस? दो प्रकार के होते हैं. पहला आपका क्या था? वॉवेल था. हाँ, फर्स्ट था आपका वॉवेल और सेकेंड था आपका कॉन्सोनेंट. फर्स्ट वॉज वॉवेल एंड सेकेंड वॉज कॉन्सोनेंट. तो हम लोगों ने पढ़ा था अक्षर. अक्षर कितने प्रकार के थे? दो प्रकार के. एक था वॉवेल और दूसरा था कॉन्सोनेंट. अक्षर को मैंने बताया था कि वॉवेल जो होता है, वॉवेल मतलब जिस अक्षर का उच्चारण करते समय हमें किसी दूसरे अक्षर की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं. जैसे आप बोलते हैं ए, ए को आपने बोला किसी दूसरे अक्षर की आवश्यकता पड़ी? नहीं पड़ी. आपने ई को बोला किसी दूसरे अक्षर की आवश्यकता पड़ी? नहीं पड़ी. तो जब भी हम किसी अक्षर का उच्चारण करते समय दूसरे अक्षर की सहायता नहीं लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं. अगर इन शब्दों में, इन अक्षरों में किसी दूसरे अक्षर की आवश्यकता पड़ती है तो वो भी हमेशा स्वर ही होता है. व्यंजन उसमें कभी आने वाला नहीं होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? वॉवेल कहते हैं. अब उसके बाद आता है आपका कॉन्सोनेंट. कॉन्सोनेंट में मैंने आपको बताया था कि ए ई आई ओ यू इन पांच अक्षरों को छोड़ के जो कुछ भी आता है वो क्या कहलाता है? कॉन्सोनेंट कहलाता है. और कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी होती है? 21 होती है. यानी कि ए ई आई ओ यू इन पांच अक्षरों को छोड़ करके वाक्य में, शब्द में जो भी से अक्षर आते हैं उन अक्षरों को हम क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट कहते हैं. तो कॉन्सोनेंट और वॉवेल आपका क्लियर हुआ. अब वॉवेल और कॉन्सोनेंट के बाद हम लोगों ने पढ़ा था क्या? अल्फ़ाबेट. याद होगा आपको, क्योंकि माई डियर स्टूडेंट्स आई होप कि आप लोगों ने रिविज़न भी किया होगा. तो वी हैव रीड आफ्टर दिस अल्फ़ाबेट. इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था क्या? अल्फ़ाबेट. तो क्या होता है अल्फ़ाबेट मीन्स? आप लोगों से पूछा गया था, आप लोगों ने बताया भी था. तो अल्फ़ाबेट मीन्स क्या होता है? वर्णमाला होता है गाइस. तो वर्णमाला किसे कहते हैं? अक्षरों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं. अक्षरों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है. तो हम लोगों ने वर्णमाला को भी पढ़ा था. और इसके बाद हमारी बारी आई थी किस चीज़ की? वर्ड की. हम लोगों ने पढ़ा था वर्ड. वर्ड मीन्स क्या होता है गाइस? मैंने आपको बताया था वर्ड मीन्स होता है शब्द. तो शब्द किसे कहते हैं? कुछ लोगों का कहना होता है कि अक्षरों के मेल को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं. अगर आप इस तरीके से बोलेंगे गाइस तो अर्थ नहीं क्लियर होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा. अक्षरों के मेल को शब्द नहीं कहा जाता. अक्षरों का ऐसा समूह जो कोई अर्थ प्रकट करे वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है. तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था. आज हम लोगों की बारी है शब्द. चूंकि एक शब्द वर्ड निकल के आया है आपके सामने, शब्द किसे कहते हैं? तो शब्द बनता कैसे है? सैलेबल से मिलकर के शब्द बनता है. तो अगला वर्ड होता है आपका सैलेबल. सेलेबल. सेलेबल सेलेबल मीन्स क्या होता है गाइस? हमें पता है कि सेलेबल मीन्स सेलेबल अगर वर्ड का पार्ट है तो कुछ इसी से जुड़ता हुआ, कुछ इससे मिलता जुलता ही इसका अर्थ होगा. वर्ड माने शब्द होता है और ये उसी का पार्ट है तो इसका मतलब उससे मिलता जुलता होगा, उससे जुड़ा हुआ होगा. अगर उससे मिलता जुलता वर्ड है तो इसका हम अर्थ क्या निकालते हैं? इसका अर्थ होता है सेलेबल माने होता है शब्दांश. क्या होता है गाइस? शब्दांश. ठीक है, शब्दांश का मतलब क्या होता है? हमने आपको पहले भी बताया था, एक बार फिर से बताता हूँ. क्या कि शब्द, अगर आपके सामने कोई वाक्य आ रहा है, कोई सेंटेंस आ रहा है, कोई वर्ड आ रहा है और आप उसकी हिंदी निकाल लेते हैं, उसकी हिंदी समझ लेते हैं तो आधे से ज़्यादा मेथड आपका क्लियर हो जाता है. तो हम लोग बात कर रहे हैं सेलेबल. सेलेबल मीन्स क्या हो रहा है? शब्दांश. तो शब्दांश का मतलब क्या होता है? शब्द का अंश. क्या होता है? शब्द का अंश होता है. तो अब शब्द का अंश जो होता है, हम इसको डिफाइन करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? शब्द का जितना भाग बिना रुके बोला जाए.
शब्द का जितना भाग बिना रुके बोला जाए वो क्या कहलाता है? सेलेबल कहलाता है, शब्दांश कहलाता है। क्वेश्चन ये उठता है कि अगर आपसे कोई कह दे कि कम, ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाता है, गो, ठीक है, लर्न, अगर हम इस तरह के वर्ड को पढ़ें तो इसमें तो हमें रुकना ही नहीं पड़ रहा है, हमारा पूरा पूरा वर्ड क्लियर हो जा रहा है। तो कहते हैं सर इसमें कौन सा शब्दांश है? तो गाइज ऐसे जो शब्द होंगे जिनमें हमें रुकना नहीं पड़ता है वो शब्दांश नहीं बल्कि वो पूरे शब्द कहलाते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि शब्दांश किस तरह के वर्ड होते हैं, किस तरह के वर्डों को हम शब्दांश कहते हैं। हम शब्दांश कहते हैं जैसे आपके पास होता है चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स क्या होता है, चाइल्ड मीन्स होता है बच्चा, चाइल्ड मीन्स होता है बच्चा, और इसी बच्चे में हम क्या करते हैं, हुड को जोड़ देते हैं, चाइल्ड को हुड से जोड़ देते हैं, यानी कि ये आपका हो जाता है सफिक्स और ये हो जाता है लास्ट का वर्ड। जब हम क्या करते हैं, सफिक्स का वर्ड हुड है और सामने का वर्ड चाइल्ड है, चाइल्ड माने क्या होता है, बच्चा होता है। अब इन दोनों वर्डों को हम जोड़ के पढ़ते हैं तो क्या हो जाता है हमारा, चाइल्डहुड, क्या हो जाता है भैया, चाइल्डहुड हो जाता है। और चाइल्डहुड चाइल्डहुड का मतलब क्या होता है, चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपना या बचपन, क्या होता है, बचपना या फिर बचपन। तो चाइल्ड माने बच्चा और हुड को मिला दिए तो इसका मतलब हो गया बचपना। अब हम इस चाइल्डहुड को जरा एक बार में पढ़ के बताएं। जैसे हमने अभी आपको कहा कम, कम माने आना, गो माने जाना, लर्न माने सीखना, हम एक ही वर्ड में बोल दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जरा उसी तरीके से इसको बोल के बताइए, क्या आप बोल सकते हैं चाइल्डहुड? जैसे आप चाइल्ड बोलते हैं तो डी पे आकर आप हल्के से अटक जाते हैं, आप रुकते हैं, उसके बाद आपका हुड निकलता है, तो चाइल्डहुड मिल करके एक वर्ड बन रहा है। तो ये वर्ड आपका जो होता है, जहां तक हम बोल रहे हैं चाइल्ड, ये जितना चाइल्ड है वही आपका क्या कहलाता है, सेलेबल कहलाता है। ये आपका वर्ड चाइल्ड जितना है वो क्या हो जाएगा, सेलेबल हो जाएगा, हुड जो आपका है वो पीछे का वर्ड हो जाएगा। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आपका होता है मदर प्लस हुड। तो गाइज हम जानते हैं ना कि माँ की ममता सबसे विशाल, उसकी कोई सीमा नहीं होती है, तो हम उसी माँ की ममता को जोड़ते हैं इससे, तो दोनों को जोड़ करके क्या बन जाता है, जब दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा क्या, मदरहुड, क्या हो जाएगा गाइज, मदरहुड। अब चलिए मदरहुड पे आते हैं, मदरहुड मतलब क्या होता है, मातृत्व, क्या होता है, मातृत्व होता है। अब आप बताइए कि हम एक साथ इसको भी पढ़ सकते हैं क्या, जैसे आपने हुड पढ़ लिया कंप्लीट हो गया, मदर पढ़ा बिना रुके पढ़ लिए, लेकिन इन दोनों को एक साथ मिला के पढ़ना हो तो तब हम मदरहुड नहीं पढ़ सकते एक बार में, जब तक मदर के पास आके स्पेस नहीं लेंगे आप, थोड़ा सा रुकेंगे नहीं, हुड आपका जुड़ेगा नहीं। इसलिए क्या होता है कि जितने शब्द का जितना भाग, इसीलिए मैंने बताया ना कि शब्द का जितना भाग बिना रुके बोला जाता है वो क्या कहलाता है आपका, शब्दांश कहलाता है, सेलेबल कहलाता है। चलिए आई होप कि ये आपका क्लियर हो गया होगा। तो आप लोगों को कुछ एक्सरसाइज अपने आप से करना है, आप अपने आप से ऐसे वर्डों को बनाइएगा, जब आप इन एक्सरसाइज को अपनी तरफ से प्रैक्टिस करेंगे तो जितना आपको समझाया गया है वो परफेक्टली आपके ब्रेन में, आपके बीफ्स में सेट हो जाएगा। और गाइज थोड़ा सा, केवल आप थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ें समझने में आसानी हो जाएंगी, क्योंकि हमने आपको पहले बताया है कि अगर हमारा बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा तो हम आगे जो भी सिलेबस पढ़ेंगे, जो भी ग्रामेटिकल चीज़ें पढ़ेंगे वो हमें भारी पढ़ेंगे। इसलिए क्या करना है, हमें बेसिक को सबसे ज़्यादा तैयार करना है, बेसिक तैयार रहेगा तो हमारे आगे के सिलेबस को आसानी से हम समझा पाएंगे और आपके समझ में भी आएगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बिल्कुल करीब में है, आपके पास टाइम कम है, काम अधिक से अधिक है, और ये काम तभी पूरा हो सकता है जब आप अभी से उस पर कंसंट्रेट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब आपके पास आराम करने का या समय गंवाने का समय नहीं है, अब हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है और कम में ज़्यादा करना है। तो चलिए ये हो गया आपका सेलेबल। अब सेलेबल के बाद हम आते हैं, कहाँ पर आते हैं, सेंटेंस। इसके बाद क्या आ जाता है आपका, सेंटेंस आता है गाइस। सेंटेंस माने क्या होता है, आई होप कि आप अच्छे से जानते हैं सेंटेंस मीन्स क्या होता है। सेंटेंस मीन्स क्या होता है, वाक्य होता है, क्या हो जाता है भैया, वाक्य। अगर आपसे कोई पूछ ले कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, तो जो तो पढ़े हैं वो आसानी से बता सकते हैं कि क्या कहते हैं, कि शब्दों के मेल को, शब्दों के मेल को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। नहीं गाइज, अगर आप ऐसा बताते हैं तो आधा अधूरा एग्जांपल बताते हैं, आधा अधूरा डिफिनेशन बताते हैं,
कभी भी डिफाइन कीजिए तो सामने वाले को फुल कंटेंट करने की क्षमता रखिए, सामने वाले को पूरी तरह से संतुष्टि होनी चाहिए कि आपने अभी अभी जो बताया है क्या वो सही है, एग्जैक्ट है, नहीं है, तो आप उसको तोलिए, अनुमान लगाइए, उसके बाद उसकी तुलना कीजिए। अगर वो परफेक्टली आपके ब्रेन पे सेट होता है कि नहीं यही होगा, तो आप सामने वाले को समझा सकते हैं। इसलिए हम वाक्य पे आते हैं, तो वाक्य की डिफिनेशन होती है क्या, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स ए मीनिंग, मेक्स अ मीनिंग, मेक्स अ मीनिंग नहीं, मेक्स अ कंप्लीट सेंस, इज कॉल्ड सेंटेंस। ओके गाइज, नाउ माइंड वंस अगेन, सॉरी फॉर दैट। आपका क्या था, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, अर्थात शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जो पूरा भाव प्रकट करे। क्या होता है, शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जो पूर्ण भाव प्रकट करे, वो क्या कहलाता है, आपका वाक्य कहलाता है। अगर हम आधा अधूरा वर्ड लिखते हैं, कंप्लीट उसका अर्थ नहीं निकलता है। अगर आपके सामने कोई एज एग्जांपल, इसको नोट ना कीजिएगा, केवल समझने के लिए दे रहा हूं, आप समझिएगा। अगर कोई आपसे कह दे कि एट द डे ब्रेक, एट द डे ब्रेक, अब गाइज आपके पास एक सेंटेंस जैसा वर्ड आया है, अब इसको हम क्या कहेंगे, एट द डे ब्रेक, इसका कोई पूरा भाव निकल रहा है, नहीं निकल पा रहा है। इसलिए आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि कभी ऐसा नहीं बताइएगा कि शब्दों का ऐसा समूह जो कोई अर्थ प्रकट करे वाक्य कहलाता है। अगर आप ऐसा बताएंगे तो इस तरह से लोग आपसे पूछ करके आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, आपको डिप्रेस कर सकते हैं। इसलिए आपको सही एग्जाम्पल और सही डिफिनेशन जानना जरूरी है। तो सही एग्जाम्पल क्या होता है, सही डिफिनेशन क्या होती है, उसको हम बता रहे हैं। सही डिफिनेशन क्या होती है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, अर्थात शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जो पूरा भाव प्रकट करे, आधा अधूरा नहीं, जो पूरा भाव प्रकट करे, उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। जैसे आपको हम दिखाते हैं, छोटे और बड़े दोनों एग्जाम्पल दिखाते हैं, एज कर सकते हैं आप, जैसे आप देख सकते हैं। मान लीजिए अगर कहा जाए सी नीड्स स्वेटर, सी नीड्स स्वेटर। अब यहां पर आप देखिए, सी क्या है, एक वर्ड है, नीड क्या है, दूसरा वर्ड है, और स्वेटर क्या है, तीसरा वर्ड है। हम तीनों को मिलाते हैं तो एक पूरा भाव निकलता है कि सी मतलब हुआ, और नीड मतलब क्या होता है, बुनना होता है, और स्वेटर का इंग्लिश स्वेटर ही होता है। तो सी नीड्स स्वेटर, वह बुनती है स्वेटर, अर्थ को आप निकालिए, सी मतलब वह, और नीड मतलब बुनना, और स्वेटर का स्वेटर। तो अब इस तरीके से हो जाएगा, वह स्वेटर बुनती है। पूरा भाव क्लियर हो रहा है, हमने अभी लिखा था एट द डे ब्रेक, उसका कोई अर्थ क्लियर हो रहा था, सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के समय क्या हुआ पता नहीं, लेकिन क्या यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि सी नीड्स स्वेटर, वह स्वेटर बुनती है, अर्थात उसका काम जारी अवस्था में है, और क्लियर भाव स्पष्ट हो रहा है, उसका स्पष्ट भाव मिल रहा है कि वह स्वेटर बुनने का काम करती है। अच्छा दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, मान लीजिए कहा जाए कि सागर इज अ गुड स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास। ओके गाइज, अब थोड़ा सा इस सेंटेंस पे आइए, क्या दिया गया, सागर इज अ गुड स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास, अर्थ को निकालना है। हमने क्या बताया कि शब्दों का ऐसा समूह जो पूरा अर्थ प्रकट करे, पूरा भाव प्रकट करे, वही क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। तो कह रहे हैं सागर इज ए गुड स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास, सागर है, सागर है एक अच्छा, क्या है, छात्र, सागर एक अच्छा छात्र है ऑफ हिज क्लास, ऑफ का मतलब का, हिज मीन्स अपनी, और क्लास मतलब कक्षा, सागर अपनी कक्षा का अच्छा छात्र है, या कह सकते हैं सागर अपनी कक्षा का एक अच्छा छात्र है। तो ये पूरा पूरा भाव प्रकट करते हैं, इसीलिए हम वाक्य की डिफिनेशन को क्या बताते हैं, शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जो पूरा भाव प्रकट करे वो क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। तो गाइज जब आप कहते हैं कि शब्दों का ऐसा समूह जो कोई अर्थ प्रकट करे वो वाक्य कहलाता है, तो आप कहाँ जाते हैं, आप उसके दूसरे पार्ट पे चले जाते हैं। शब्द का, इस वाक्य का एक दूसरा भाग भी होता है,
जिसे हम क्या कहते हैं, वाक्यांश कहते हैं। हम इसके बाद वाक्यांश की तरफ भी चल रहे हैं। शब्द का जो आपका सेंटेंस जो होता है, इसका दो पार्ट होता है, एक तो वाक्य होता है और एक क्या होता है, वाक्यांश होता है। जिस तरह से अभी अभी आपने पढ़ा वर्ड, और वर्ड के बाद आपको क्या मिल गया था, सेलेबल, सेलेबल मिला ना, शब्दांश मिला था, उसी तरीके से वाक्य है और वाक्य का भी एक पार्ट होता है, उस पार्ट को हम अभी पढ़ाते हैं। तो पहले आप इसके डिफिनेशन को क्लियर कर लेंगे, क्या शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जो पूरा भाव प्रकट करे या पूर्ण भाव प्रकट करे क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। समझ में आया अच्छे से, किसी को कोई प्रॉब्लम अगर है तो उसे मैं फिर से क्लियर कर दूंगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले स्टेप पर। चलिए इस वाक्य को हम डिफिनेशन के साथ छोड़ देते हैं, लेकिन वाक्यांश की तरफ चलते हैं, जिसे हम आप क्या कहते हैं, फ्रेज। फ्रेज की हिंदी क्या होती है गाइस, फ्रेज की हिंदी होती है वाक्यांश। क्या होती है, वाक्यांश। वाक्यांश का अर्थ ही हमने कहा था कि अगर शब्दों का अर्थ आपको क्लियर हो जाए, शब्दों का अर्थ स्पष्ट हो जाए, तो आधे से ज़्यादा आपकी समस्याएं स्वयं ही हल हो जाती हैं। तो फ्रेज मतलब क्या होता है, वाक्यांश। अगर वाक्यांश का संधि विच्छेद कर देंगे तो क्या होगा, वाक्य का अंश। क्या होता है, वाक्य का अंश। अगर वाक्य का अंश है तो इसका मतलब है कि वो पूरा भाव नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो अंश है ना, वो पूरा वर्ड तो है नहीं, पूरा वाक्य तो है नहीं, वाक्य का भाग हो जा रहा है। इसलिए हम क्या कहते हैं, वाक्यांश कहते हैं, किसको, फ्रेज को। अब चलिए फ्रेज किसे कहते हैं, आप कह सकते हैं वाक्य शब्दों का ऐसा समूह जो कोई अर्थ प्रकट करे किंतु पूरा भाव स्पष्ट ना हो। शब्दों का ऐसा समूह जो कोई अर्थ प्रकट करे किंतु पूर्ण भाव न प्रकट हो, वो क्या कहलाता है, वाक्यांश कहलाता है। क्या कहलाता है, वाक्यांश। अब जैसे हम आपको एग्जांपल बता देते हैं, एज एग्जांपल पे आते हैं हम लोग, एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे इन द मॉर्निंग, ओके गाइस, इन द मॉर्निंग। अब ये क्या बता रहा है, सुबह में, क्या बता रहा है, इसकी हिंदी यही हो जाएगी ना, सुबह में, सुबह में। अब आप बताइए सुबह में क्या हो रहा है, आपको पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है। अगर कहा जाए एट मिडनाइट, एट मिडनाइट, तब इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अर्ध रात्रि में, अर्ध अर्ध रात्रि में। अगर हम इसकी बात करें अर्धरात्रि में, अब अर्धरात्रि में क्या हो रहा है, आदमी सो रहा है कि जाग रहा है, पहरा दे रहा है, क्या कर रहा है, ये स्पष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन बात हो जा रही है कि आधी रात की बात हो रही है ना। तो इसीलिए इसकी डिफिनेशन क्या कही जाती है, कि शब्दों का ऐसा समूह जो कोई अर्थ प्रकट करे किंतु पूरा भाव न प्रकट हो, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। फ्रेज की हिंदी क्या होती है, वाक्यांश। क्या होती है, वाक्यांश। चलिए ये वाक्यांश हो गया, वाक्य हो गया, शब्दांश हो गया, शब्द अल्फाबेट और शब्द वर्णमाला और अक्षर आप पहले ही पढ़ चुके हैं, तो ये दो तीन चीज़ें आपकी क्लियर हुई। अब यहाँ पर आपका बेसिक चीज़ जो होता है, बेसिक आपका कंफर्म होता है, तो अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। और आगे चलने के लिए, चूँकि हम लोग रिविज़न क्लास या क्रैश कोर्स में चल रहे हैं, क्रैश कोर्स में अगर चल रहे हैं, तो चूंकि आपको हम बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे, अगर आप ज़्यादा समय के चक्कर में पढ़ेंगे, ग्रामेटिकल पोर्शन को अटेंड करने के चक्कर में पढ़ेंगे, तो आपका क्रैश कोर्स नहीं पूरा हो पाएगा, आपका सिलेबस नहीं पूरा हो पाएगा। इसलिए हम अब आपके बेसिक के छोड़ करके, बेसिक को छोड़ते हुए आपके सिलेबस की तरफ चलते हैं। तो ये बेसिकली चीज़ें आपको इसलिए बताई गई हैं ताकि आपको सेंटेंस आपके सामने आए तो उसे बनाने में, उसे बताने में आपको कोई प्रॉब्लम ना। अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा हो, आपके समझ में आ रहा हो, आपको अच्छा लग रहा हो, तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं हम आपसे कल अपने इसी क्लास में, टॉप 10 क्लासेस में हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।